क्या बोल रहे थे भी? बोल रहे थे कि मेरा गांव में आकर मंत्री विधायक मारेंगे झाड़ू से, काहे मारिएगा झाड़ू काहे कि मेरा बचान पर काहे रहेगी। हम लोग गांव को विद्यालय दीजिए, हम लोग जैसा अनपढ़ वैसी बाल बच्चा नहीं रखेंगे अनपढ़। आपके गांव में विद्यालय चल रहा था ना जी? चल रहा है तो किसका जरूरती लग गया तो काहे चल गया घिंच कर दूसरा गाँव। तो इसके लिए मंत्री जी और विधायक जी को मारिएगा? हाँ सर, गलत बात है ना? गलत बात नहीं है सर, हम लोग के बच्चा अनपढ़ रहेगा तो जरूर झाड़ू खाएगा, झाड़ू मारिएगा। हाँ तो वोट किनको पर देंगे सर? हाँ आप लोग उसी पर ने बच्चे पर ने, बच्चा छिट रहते सर। हाँ तो सभी बड़ो आदमी छोटा आदमी सब कोई उसको पर टीपा डालते थे। हुँ। तो जब बच्चे अनपढ़ रहेंगे सर तो हम जिताएंगे किसको से बताओ? कौन साहब के कौन मंत्री के जिताएंगे? मतलब कहने का मतलब है तो वही बोलते हैं सर, आपके गांव में हाँ फिर से विद्यालय चालू हो। हाँ नहीं चालू होगा तो किसको नहीं देंगे वोट? क्या होगा? झाड़ू खाएगा सर, जो आएगा मंत्री विधायक नेता डीलर आएगा तो वही जवाब मिलेगा कि हम लोग अंगूठा छाप है तो मेरा बच्चा भी रहेगा अंगूठा छाप। हमको बच्चा पढ़ा लिखा रहना चाहिए, विधायक नहीं तो कहाँ पर जाएगा पढ़ने? खोज खोज के वोट ले जाते हैं अपना काम कराने के लिए सर, कि दीजिए वहाँ वोट तब जीतेंगे। तब अभी हमको बच्चा पढ़ा है, देखिए नदी में पानी आए हैं सर, वह नहाते मतलब आप लोग चाहते हैं कि फिर से विद्यालय? हाँ विद्यालय चालू हो जाए सर, यही हम लोग चाहते हैं कि बच्चा को छिछक हो जाएगा, हम यही खोजते हैं। अब क्या बोले? नवादा जिले के पंचायत ननौरा में है और ननौरा के ये महादलित बस्ती है। यहाँ देख सकते हैं एक विद्यालय पे नजर पड़ी और ये विद्यालय महादलित टोला का विद्यालय है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर प्रखंड नारदीगंज नवादा। जब जानने की कोशिश किए तो पता चला कि यह विद्यालय एक महीना पहले दूसरे गांव के गांव में शिफ्ट कर दी गई है। हालांकि यहां पे मौजूद ग्रामीण हैं, महादलित परिवार हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये विद्यालय दूसरे गांव में शिफ्ट क्यों करवा दी गई। की नाम है? सावित्री देवी। कहाँ घर लो? मोतीनगर। मोतीनगर तो गाँव में विद्यालय हो? अभी तो है नहीं सर, पहले था। कितना दिन पहले तुम्हारे गाँव वाला विद्यालय में पढ़ाई हुई? बहुत दिन, 10-12 साल हुआ सर। अभी? अभी तो चल गए हार फिलहाल वहाँ मोती भेलू बिघा। कितना दिन पहले? कितना दिन? 3 महीना लगभग हो ही गया। 3 महीने पहले? हाँ। तो ये विद्यालय में कई को मास्टर पढ़ावल की? 2 मास्टर 2 टीचर। दो मैडम? हाँ। दो लेडीज और दो जेंट्स? जी। तभी बच्चा जो है कहाँ जाके पढ़े? कहाँ जेते ऐसी आवारा कुत्ता नहीं घूरती ना, कहाँ जेते स्कूल ले चल गए तो कहाँ बचपन पढ़ते? तो स्कूल यहाँ से गए ले तो अधिकारी लोग कुछ बोलल की हमने? बोलल की हल की नहीं बोल की नहीं, हमने नहीं पता रहे जा लग लेना अचानक हमने जाने की सब बोरिया बिस्तर उठ के जा रहा है तो हम लोग चौकने लगा कि काय भाई। तो बोले यहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ भेलू बीघा चल गया। तो हम लोग अब क्या कर? तुम्हारा बचवा कैसे पढ़ती है? हमारे बचवा इसी पढ़ावे, सरकार के माने नहीं है कि हम अनपढ़ है, ये तो अनपढ़ बोलो तक रखती हमारा कोची। ये क्या करवा रही? और क्या करवा रखी जे सरकार ने जानती, मास्टर बता रखी कि आपको बना रखी अनपढ़ हमारे बन लिखी हर जन लोग के बच्चा काहे पढ़ जीते रहते अनपढ़ है गवार। तो हम लोग आप किसके दोस्त के दे, सरकार के नहीं देंगे सर कि यहाँ जे स्कूलों में खाना उना बना ले? जी सर। हाँ, दो रसोईया वाली था। अच्छा रसोईया वाली कहाँ खलकी? यहाँ खलकी। हाँ ये जी खुदे की रसोईया वाली है बगल में। दो रसोईया लो जी। हाँ खाना उना बनावो लो? हाँ बनावो लो। कितना दिन विद्यालय पहले चल गए? होल की ना 2-3 महीना। 2-3 महीना अभी तो की करो? हम नहीं जाए, नहीं जाए पा रही उतना दूर तक, कैसे जी ये जा हलखिन तो बनबो हलिए। तोर घर के बुतरू पढ़ा हलखिन? हाँ पढ़ा हले। अभी? अभी कने जीतखिन, जेबे हम ही नहीं जाइए तो वो सो नहीं बुतर गेल कोई नहीं जाखिन वहाँ, बोलो उतना दूर के जाए पढ़े। तो बच्चा लोग के अनपढ़ रखबो तो की कर गए अनपढ़ रखे? कोई जाहिल नहीं देखिन बचेन के नहीं था, बचेन के नहीं कोई जाए देता है, बल यहाँ लावो स्कूल। यहाँ देखिन स्कूल सरकार ने कैसे पढ़ा? यहाँ तो चलिए रहले हल, चलिए रहले तो कैसे चल गेल, कोची हो गेले जो चल गेल, ये ले चल गेल। अफसर ले गेले कौन अफसर ले गेले जो हमनी की पता है? हमनी कहल गेल कि चल जाए स्कूलवा। की नाम होलो?
हमारे गौरी देवी नाम की कर लो बोलो आईना हन की कर लो जैसे बच्चा के लिए हकीन सर हाँ। कि बच्चा के यहाँ सुविधा हल तब अब सर की कहलखिन अब की कोई सर कहलखिन तब लेके चल गए यहाँ सब कुछ देखिए घर के बुतरुआबोल की पढ़ले हमर घर के नहीं अवलखिन बाकी गांव छोटा छोटा की लड़का बच्चा तब पढ़लखिन आंगनबाड़ी न भी पढ़े जुकुर हकीन सर तब पढ़लखिन आंगनबाड़ी अभी ये गांव के बुतरु सब कहाँ जाके पढ़ले ना जा कहाँ नहीं जा हकीन जब स्कूले चल गेलखिन सर तब कहाँ जे कहना की यहाँ आ गए स्कूल तब बच्चा पढ़ेगा कितना दिन पहले यहाँ से स्कूल बा दूसरा चल गए दो तीन महीना के लगभग हो गया है यहाँ हाँ तीन महीने क्या नाम हुआ सर आपका मेरा नाम डॉक्टर बाबलू प्रसाद हुआ रहने वाले कहाँ के हैं गोतराइने के रहने वाले हैं कहाँ खड़े हैं ये बता दीजिए यहाँ मोती नगर में हम लोग हैं ये कौन सा पंचायत में है ननौरा ग्राम पंचायत में है ननौरा मोती नगर जो कि महादलित की बस्ती है यहाँ विद्यालय जी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय इसके बारे में कुछ जानते हैं आप जी क्या जानते हैं यहाँ जानते हैं कि एक नवसृजित विद्यालय यहाँ खोला गया था सरकार के ही द्वारा जी जो लगभग 10 साल से चल रहा था स्कूल जी और कुछ कारण बता करके यहाँ से हटा दिया गया है स्कूल कि यहाँ बच्चा कम है यहाँ जमीन नहीं है बहुत सारा काउज लगा दिया और काउज लगा के यहाँ से स्कूल को प्रस्थान करवा दिया दूसरा जगह तो इस गाँव में विद्यालय और ग्रामीण को पता नहीं है कि किस कारण से विद्यालय को शिफ्ट कर दिया गया पता सर लगभग सबका है कि किस कारण से शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ मूल रूप से विद्यालय का जमीन के चलते ये शिफ्ट किया गया है यहाँ कोई जमीन उस तरह का उपलब्ध नहीं बोलता है कि सरकार चूंकि है टोटल बिहार सरकार ही जमीन सर और टोटल बिहार सरकार का तो उसमें सरकार का है गलती है कि हम लोग जमीन का कहाँ ब्यौरा लेकर के सरकारी जमीन है बिल्कुल यहाँ तो सरकारी जमीन पर निर्माण किया जाए यहाँ बिल्कुल जमीन है लेकिन उन लोग सरकार अपना पक्ष रख दिया कि यहाँ जमीने नहीं है इसके वजह से ट्रांसफर कर दिया आपके कथनानुसार 10 साल से विद्यालय चल ही रहा था हाँ तो ये विद्यालय जो चल रहा था वो सामुदायिक भवन में चल रहा था अपना स्कूल में नहीं चल रहा था विद्यालय ये यहाँ एक सामुदायिक भवन है वो सामुदायिक भवन में चल रहा था अभी एक अलाउट हो गया है यहाँ आंगनबाड़ी भी तो आंगनबाड़ी भी चल रहा है तो भी वो प्राइवेट जगह में चल रहा है सरकार का भवन नहीं रहने के कारण ये स्कूल चला गया अजय आपको नहीं लगता है कि सरकार भी चाहती है कि दलित के बच्चे नहीं पढ़ें बिल्कुल बिल्कुल चाहता है कि नहीं पढ़े जब 10 साल से स्कूल यहाँ चल रहा है यहाँ के नाम पर चल रहा है तो सरकार का ये दायित्व था कि जमीन को उपलब्ध करा करके भवन बनाया जाए यहाँ तो ग्रामीण का कोई गलती नहीं है ग्रामीण तो बच्चा सब पढ़िए रहा था लेकिन सरकार का इसमें उत्सुकता नहीं था कि वो जमीन प्रोवाइड नहीं करवाया भवन नहीं बनवाया तो मनी मास्टर कहाँ पढ़ावेगा और भी हैं कुछ ग्रामीण की नाम ले देता वासुदेव मांझी तोहर गांव में विद्यालय हले हाँ सर तो ये चल रहा था 20 साल से चल रहा था लेकिन ये कैसे क्या हुआ सर शिक्षक ने बोला कि यहाँ जमीन नहीं मिलता है नहीं बनेगा गए हम लोग देंगे जमीन अच्छा ये पहले बता दीजिए महादलित परिवार यहाँ 60-70 घर की बस्ती है सब लोग यहीं रहते हैं हाँ सर यहीं रहते हैं यहीं रहते हैं हाँ तभी बच्चे लोग कैसे पढ़ते हो अभी नहीं पढ़ते हैं 3 महीना से भटक रहा है सर 3 महीने से भटक रहा है फिर क्या होगा क्या होगा सर कोई उपाय सोचेंगे कहीं भेजेंगे और क्या करेंगे अच्छा आपके आपके गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया विद्यालय कौन जिम्मेदार है ज्यादा का बस्ती है हो सकता है सर लड़का लोग मारपीट करे इसलिए हम लोग नहीं जाने देते हैं जिम्मेदार कौन है आपके गांव में पहले विद्यालय चलता था हाँ। अभी विद्यालय बंद कर दिया गया अब तो शिक्षक ने बताएंगे सर हम लोग क्या बतावे वाला तो महादलित बस्ती में विद्यालय था विद्यालय जो है लगभग 15-20 वर्षों से संचालित होते आ रहा था महादलित परिवार के बच्चे इस विद्यालय में हम लोग संकट साथे थे सर बैठना पढ़ रहे थे लेकिन आखिर विभाग को क्या जरूरत पड़ गई अधिकारी को क्या जरूरत पड़ गई इस विद्यालय को बंद करना पड़ा हालांकि
ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हमें नहीं पता कि यहाँ से विद्यालय को कैसे हटा दिया गया। अब ये सवाल भी है कि जब विद्यालय चल रहा था 15-20 सालों से ये विद्यालय चल रहा था, कहीं ना कहीं अधिकारी भी निरीक्षण करने आते होंगे, तो फिर यहाँ से अगर विद्यालय को शिफ्ट आपने किया तो ग्रामीणों को क्या जानकारी देना उचित नहीं समझे? तो कहीं ना कहीं अधिकारी पे भी एक सवाल खड़ा होता है और अधिकारी की मंशा जो है ये कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और आप चाहते हैं, आपकी ये मंशा है कि दलित महादलित परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। ऐसा मैं आरोप आप पे नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है, क्योंकि इनके बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे स्वाभाविक है ये अनपढ़ रह जाएंगे। इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।